गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ी से चलने वाले गमला चोर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। यह आप देखिए खबर। इसे शौक कहिए या शैतानी, कि लाखों के रुपए की कीमती लग्जरी कार में घूमने वाले 50 साल के मनमोहन सिंह को गमला चोरी करने का चस्का लगा था। गमला चोरी के आरोप में मनमोहन को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के गमले भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर इन्हें अरेस्ट किया, जबकि पुलिस दूसरे आरोपी की भी तलाश कर रही है, जिसकी पहचान करने के लिए मनमोहन से पूछताछ चल रही है। आरोपी मनमोहन गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके का रहने वाला है। उसकी नंबर प्लेट हरियाणा के हिसार की है। गाड़ी मनमोहन की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल G20 सम्मेलन की तैयारी और विदेशियों के स्वागत के लिए सड़क पर गमले रखे गए थे। मनमोहन और उसके साथी दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहे थे। दोनों की नजर खूबसूरत फूलों पर पड़ी। दोनों ने ही खूबसूरत फूलों के गमलों को देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और गमले चोरी कर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि मनमोहन वन विभाग से जुड़ा था। बहरहाल पूछताछ में सामने आया है कि मनमोहन को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि कोई उनका वीडियो बना रहा है।